अपने भक्त है, तो आप जो भी इसी प्रकार की शंका हो और उसको विशेषकर अगर अपन कंपटीटिव एग्जाम की बात करें तो हमारे लोग इन्फ्लुएंसी इसी भी अति से रहते हैं क्योंकि वो झिझकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते, तो वो अपनी बात की खुल करके अपने जो समाज के स्पीकर हैं उनके सामने रखें। डॉक्टर बी एस कुमार साहब, सम्मानित मंच, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। किसी भी क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ने के लिए उसका डिसाइड होना जरूरी है कि कहां जाना है। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में परिचय दूंगा तो उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को जानने को मौका मिलेगा कि कहां मैंने गलतियां करी और कहां मैंने सही किया। एक कृषि परिवार से समाज सेवा और कृषि विरासत में मेरे को मिली है। मेरा जन्म कुचम सिटी के पास गांव भारिया है। पिताजी मेरे सरपंच थे, हम पांच भाई, पांचों भाई पढ़े रहे थे। फीमेल एजुकेशन हमारे परिवार में नहीं थी। जब पढ़ते पढ़ते एट्थ क्लास तक आया तब तक मैं ऐसे ही साधारण स्टूडेंट ही रहा, इधर उधर देखे पास हो लिया करता था। एट्थ में फिर बताया गया कि अब आपको कोई कैरियर चुनना है, तब मेरे को वहां के फील्ड में दो तीन चीजें सुनी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये तीन बड़े आदमी होते हैं समाज के। और दूसरा अभी जो चल रहा है आरएएस आईएएस राजनेता, उनका बारे में इतना ध्यान नहीं था, तो मैंने सुना कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। और डॉक्टरों का मेरा परिचय था वहां पर भवन लाल जी कुमावत को चमन सिटी में, अपने समाज के परिवार में आया जाया करते थे, तो मेरे को ही कहा गया तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। एक वहां पर छोटा अस्पताल हुआ करता था, तब से डॉक्टर सानी साहब, कभी उनके पास भी जाना होता था तेरे को डॉक्टर बनना है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को डॉक्टर बनना है जो कि समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं। तो उस वक्त ही सब्जेक्ट लेना होता था, तो नाइन्थ क्लास में मैंने बायोलॉजी लिया और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने डिसाइड कर लिया तो मेरे को परिवार वाले थोड़े रिश्तेदार वो भी कहने लगे डॉक्टर, ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर, आधे लोग तो डॉक्टर ही कहने लगे। तो मेरे अंदर एक विचार बनता जाएगा कि मेरे को डॉक्टर बनना जरूरी है, लोग तो डॉक्टर अभी से कहने लगे। तो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप में और बताता हूँ, अंडा अंडा अगर अंदर से बाहर आकर फूटता है ना तो एक जीवन का उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है, और उसी अंडे को ऊपर से मारते हैं तो एक जीवन की उत्पत्ति खत्म हो जाती है। मतलब अपने अंदर से अगर आएगा कि मेरे को ये करना है तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। घर परिवार के परिसर से, समाज के परिसर से, दुनियादारी के परिसर से अगर आप करोगे तो हो सकता है आप इसमें खत्म हो जाओ। इसलिए अंदर से आना जरूरी है, और अंदर से तभी आएगा जब अपने को उस चीज के बारे में पता होगा कि ये क्या चीज है। मेरे दिमाग में आएगा मेरे को डॉक्टर बनना, और वहां पर आगे मेरे को क्या गलतियां होंगी उनको मैं बताऊंगा। मैं उस दौर में फिर डॉक्टर बन गया। मैं जो डॉक्टर मैंने नजर में रखे वो एमबीबीएस थे, तो मैं समझ गया कि एमबीबीएस ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। तो मैं पढ़ाई करके फिर जब जयपुर में आए, मैं महाराजा में पढ़ने लगा, मैं डॉक्टर की तैयारी करने लगा। तो उस वक्त भी कंपटीशन इतना होता था कि पता नहीं डॉक्टर, क्योंकि मैं साधारण स्टूडेंट था तो घर वाले सोचते थे कि पता नहीं डॉक्टर में सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसको तो कंपाउंडर बना देते हैं। तो मेरे पास मेरे बड़े भाई साहब भी अच्छे पढ़े लिखे, उन्होंने दो तीन जगह नर्सिंग के फार्म भरे और कहा मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, चले जा। मैंने कहा मैं तो या तो डॉक्टर बनूंगा या अपने वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है वो कर लूंगा, कंपाउंडर तो नहीं बनना मेरे दिमाग में। सभी भी सब मेरे को डॉक्टर कह रहे हैं, तो मैंने कोशिश करी। उस वक्त पीएमटी के जो चेंजेस होते, जो सिस्टम होता है एग्जाम का, पहले पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते थे। हमारे टाइम में टू लाइन का क्वेश्चन शुरू हुआ पहली बार, तो उसमें कृपा जी से दो क्वेश्चन गलत हो गए, रह गया मैं। फिर मैं लगाया, फिर और एक बार और कर दिए, तो वहां चलेगा लगेगा नहीं। फिर आगे और पैटर्न चेंज हो गया, एमसीक्यू आज का जो होता है वो हमारे टाइम से पहला एमसीक्यू का कैंडिडेट हो गए। तो उस फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर
मैंने एमबीबीएस करी, पहला बार बीकानेर से, उसके बाद मैंने वापस जयपुर माइग्रेट किया। एमबीबीएस करने के बाद में बस लग गया कि हाँ यही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। पर थोड़ा सा उस वक्त मेरे बड़े बड़े साहब आईएएस आईएएस किया करते थे, पर आईएएस आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था। तो एक बार मैंने भी आईएएस का एग्जाम दिया फ्री, दुर्भाग्य से वो फ्री एग्जाम किसी कारण से खत्म हो गया, उसके बाद में भी मेरे डॉक्टरी में लग गया। अब यहाँ पर मैं अगर उस वक्त मेरे दिमाग में पता होता था आईएएस आईएएस क्या होता तो अभी तक मैं भी कुछ करता, पर मेरे को पता नहीं था। इसलिए जो भी आईएएस आईएएस देना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं ना, उनकी आईएएस और आईएएस की लाइफ स्टाइल से आप रूबरू हो, कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है, सेक्रेटरेट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या है, तहसील हेडक्वार्टर में क्या है, उसे जाके उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में रूबरू होगा तो अपने अंदर से आएगा। तो मैं कह रहा था मैं अंडा अंदर से ओपन होगा, अपने अंदर से एनर्जी तब आएगी, नहीं नहीं मेरे को देखो ये इसमें ये बहुत बड़ी चीज है, ये करना है, इसी बनूंगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैंने वो केवल दो डॉक्टर नजर में थे, डॉक्टर गौनलाल कुमार सानू और सानी साहब एमबीएस। तो मैं सोच गया कि जब डॉक्टर बन गए सर्विस में लग जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी पीजी की डिग्री होती है। तो थोड़ा फील्ड में गया, डॉक्टरी करने लगा, तो वहाँ पता लगा यहाँ तो मरीज को सब स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर एमबीएस का तो कोई इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर वापस मेरे दिमाग में आया कि मेरे को तो डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर देने लगा कौन सा बड़ी डिग्री कौन सी होती है। तो उस वक्त रेडियो डायग्नोसिस और ऑर्थोपेडिक्स में बच्चों की जैसे दो तीन डिग्रियां बड़ी डिग्रियों में आती थी। तो रेडियो डायग्नोसिस तो यार वो मरीज के पीछे होता है, पब्लिक को जानते ही नहीं रेडियो डायग्नोसिस, ऑर्थोपेडिक्स है जो बिल्कुल सामने होता है। तो फिर मैंने और मेरा करियर चुना, मतलब घटना स्टेबल था, मेरे को ऑर्थोपेडिक्स बनना है। तो सारी बातों का मतलब यही है, आप अपना कैरियर सुनिए और उसके बारे में पूरा जानिए। आरएस बनना तो आरएस के बारे में जानिए। अब आरएस मेरे को उस वक्त कोई कहता, अरे यार तो आप 10,000 डॉक्टर होंगे पर एक आरएस राज करता है। पढ़ाई में डॉक्टर को 15 साल करनी पड़ती है, आरएस को भी अपने स्तर पर बहुत अच्छी करनी पड़ती है, पर अंदर से आपको ये आएगा नहीं मेरे को ये करना है, उसके आगे पीछे की सारी हिस्ट्री जानोगे तो आप कर पाएंगे। और रस्ते बहुत सारे हैं करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।